कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था कि हम लोग ने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उसका कंपोजिशन देखा, एम एन रॉय को जाना कि एम एन रॉय वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। उसके बाद फिर 1935 में हम लोग ने देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने, उसके बाद वर्ल्ड वार टू हुआ। वर्ल्ड वार टू के बाद 1946 आया, कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन के बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने बहुत सारी कमेटीज़ देखी, मेजर कमेटी, माइनर कमेटीज़, और फिर उसके बाद ड्राफ्ट कमेटी देखी। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी तक हम लोग ने जो देखा वो था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। अब हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इम्पोज किया जा रहा है, उनको कैसे इन्फोर्स किया जा रहा है। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो है इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप अपने इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलें। ठीक है, अगर ठीक है तो हम लोग आगे चलते हैं, इसका इस चैप्टर का कंटिन्यू पार्ट सेकेंड पार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या हुआ था, बन चुका था, इनैक्ट भी हो गया था। इनैक्ट होने के बाद अब उसकी बारी किसकी थी, एनफोर्समेंट की। इनैक्ट होने का मतलब क्या हुआ, वो एक्सेप्ट हो गया था। ठीक है, इनैक्ट होना मतलब एक्सेप्ट होना, और एनफोर्समेंट होना यानी कि पूरी जनता के ऊपर वो लागू होना। ठीक है, इसको बोलते हैं एनफोर्समेंट। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे। देखो, अगर क्वेश्चन इसमें बहुत घुमा के पूछा जाता है क्वेश्चन में कि आप इनैक्टमेंट कभी हुआ या फिर इसको एक्सेप्ट कभी किया, तो इनैक्टमेंट और एक्सेप्टमेंट का मतलब भी एक ही होता है कि इनैक्टमेंट का मतलब ये है कि वो एक्सेप्ट कभी किया गया। और ये जो बात की जा रही है, ये बात है 26 की। ठीक है, 1949 की, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया और कंप्लीट हो गया, और उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनैक्टमेंट डेट बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके इन्फोर्समेंट डेट की। तो इसका जो एन्फोर्समेंट होता है वो 26 जनवरी 1950 को होता है। राइट, आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 को होता है, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपब्लिक डे। ठीक है, तो इसी के दिन क्या हुआ था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल हो गया था। ठीक है, एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अब हम लोग देखेंगे कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स होने से पहले इनैक्टमेंट डेट के टाइम ही एनफोर्स हो चुके थे, और कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट था वो 26 जनवरी 1950 को। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से जो पार्ट हैं वो हमारे इनैक्टमेंट के टाइम से ही एनफोर्स हो चुके थे ऑलरेडी। ठीक है, तो जैसे कि आपका यहाँ पे सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप पहले ही एनफोर्स हो चुका था, यानी 26 नवंबर 1949 से ही वो एनफोर्स था। ठीक है, सिटीजनशिप। अब वहाँ पे कैसा था कि इलेक्शन करवाना था, इसलिए इलेक्शन कमीशन को भी, इलेक्शन से रिलेटेड जो भी लॉ थे वो भी एनफोर्स हो चुके थे। ठीक है, प्रोविजनल पार्लियामेंट। प्रोविजनल पार्लियामेंट का मतलब, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही देखा था कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्या बन गया था, लेजिस्लेटिव असेंबली बन गया था। लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ क्या हुआ, वो प्रोविजनल पार्लियामेंट बन गया था। प्रोविजनल पार्लियामेंट का मतलब लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए एज अ पार्लियामेंट भी वो वर्क कर रहा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं टेम्प्रेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस, यानी कि कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो टेम्प्रेरी और ट्रांजिशनल थे, वो भी ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इन्फोर्स हो चुके थे। मतलब कहने का मतलब, इन्फोर्स होने का मतलब, ये ऑलरेडी पहले से अंग्रेजों के टाइम से चले आ रहे थे, अगर सिटीजनशिप को छोड़ दिया जाए तो, और ये कंटिन्यू चल रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अब क्वेश्चन ये आता है कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों चुना गया रिपब्लिक डे के लिए। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को ही क्यों चुना गया, तो एक्चुअली हुआ क्या था कि 1930 यानी कि अपना लाहौर लाहौर सेशन 1920 में हुआ था, 1929 में लाहौर सेशन हुआ था। उस लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने रावी रिवर के किनारे पे पहली बार फ्लैग को, अपने इंडियन फ्लैग को होस्ट किया था, और ये डिक्लेयर किया था कि जब भी हम लोग को आज़ादी मिलेगी वो 26 जनवरी 1950 को मनाएंगे। लेकिन आज़ादी 1947 को ही मिल गई थी। ठीक है,
तो इसीलिए वो 26 जनवरी 1949 तक रुके, और एक महीने के बाद नवंबर दिसंबर और 26 जनवरी 1950 को उन्होंने इन्फोर्समेंट डे में मनाया। ठीक है, इसके साथ साथ अब कुछ और बातें ध्यान में रखनी होगी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 ये तो आपके इनेक्टमेंट डेट से पहले का ही था, तो क्या ये भी स्टॉप हो गया था? नहीं, इंडियन इंडिपेंडेंस ये एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये दोनों पहले से ही एनफोर्स थे, यानी कि वो पहले से ही चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे शर्त ये रखी गई थी, अभी शर्त ये रखी गई कि अगर ऐसा कोई लॉ जो ऑलरेडी 1947-1935 में है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ऐसा उसके ऊपर लॉ बनाया है, और जब ये दोनों लॉ एक जगह पे कॉन्फ्लिक्ट होंगे, तो इंडियन अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा बनाया हुआ जो लॉ है वो एप्लीकेबल माना जाएगा, और ये जो 1947-1935 का एक्ट था ये नल एंड वॉइड माना जाएगा, यानी कि पहले वाले लॉ के ऊपर दूसरे वाले या जो नए वाले लॉ है उसको तरजीह दी जाएगी, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कहने का ये मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप बात करते हो कि ये जो 1947 का जो लॉ है वो भी एनफोर्स उस टाइम पे हुआ था, यानी 26 जनवरी को हुआ था, नहीं वो ऑलरेडी इन्फोर्स था 1935 और 1947, लेकिन इसके बाद हुआ क्या, एनेक्टमेंट के बाद क्या हुआ कि अगर कोई लॉ इंडियन लॉ मेकर्स के द्वारा बनाए हुए लॉ के बराबर है या फिर उससे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो इंडियन लॉ जो होगा वो एप्लीकेबल होगा, और जो 1935 का और 1947 का जो लॉ है वो पूरी तरह से नल एंड वॉइड हो जाएगा। इतना समझ में आया मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? तो उस टाइम पे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 वॉज स्टॉप्ड ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा नहीं है वो स्टॉप नहीं था, वो चल ही रहा था, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस डाले गए, विद कंडीशन चल रहा था वो कि अगर ऐसा कोई लॉ जो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा बनाया हुआ लॉ ही एप्लीकेबल माना जाएगा, इन दोनों के थ्रू जो लॉ बना है उसको नल एंड वॉइड माना जाएगा। हाँ, एक चीज जो क्या किया गया था, एबॉलिश किया गया था, उसको बोलते हैं प्रिवी काउंसिल। प्रिवी काउंसिल की बात करें तो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट था कहाँ पे, कलकत्ता में। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में था। ठीक है, होता क्या था, इंडिया में अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में केस जैसे कि आज का जो सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे आपका क्या है, ये आपका अपना सॉरी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर कोई केस कोई हारता है तो हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट से अगर कोई केस हारता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन उस टाइम पे कैसा था, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं था, सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा सुप्रीम वहां के उस टाइम के गवर्नर हुआ करते थे, और गवर्नर से भी सुप्रीम हुआ करता था प्रिवी काउंसिल। ठीक है, और ये जो प्रिवी काउंसिल होता था ये यहाँ पे इंडिया में नहीं था, ये कहाँ बैठता था, लंदन में बैठता था। ठीक है, तो होता क्या था कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट से भी हार गया है तो वो क्या कर सकता था, डायरेक्ट प्रिवी काउंसिल में जाके फिर से गुहार लगा सकता था, फिर से अपनी केस को फाइल कर सकता था। ठीक है, लेकिन अब जिस तरह से 1947 एक्ट के हिसाब से अब जो पैरामाउंटेंसी है किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, पूरी तरह से इंडिया पे खत्म हो गया और इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, तो प्रिवी काउंसिल का जो भी जो है वो उसको खत्म कर दिया गया। इसलिए ये जो एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन ऑफ एक्ट ऑफ 1949 के थ्रू इसको क्या किया जा गया, खत्म कर दिया। उसको खत्म करने के लिए एक नया एक्ट लाया गया जिसको बोलते हैं एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट 1949, और इस एक्ट के आने के बाद प्रिवी काउंसिल का जो इंडिया के ऊपर इफेक्ट था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। अब इंडिया में जो सुप्रीम था वो कौन था, सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसे लॉ जो है होते हैं ये, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि ये कैसे, एक करेंगे चलो आगे नेक्स्ट करते हैं। एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस, अच्छा बात बताओ कि एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस क्या है। एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस में एक्सपर्ट कमेटी बनाई क्यों थी, तो यहाँ पे ध्यान से देखना। जैसे आपने 11 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की पहली बैठक हुई, और आप सोचो 13 दिसंबर को 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हो गया। सोचो 2 दिन के अंदर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कैसे बन गया,
2 दिन के अंदर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कैसे बना, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब था ये जो एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनने से बहुत पहले से ही काम कर रही थी। और ये क्या कर रही थी, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनने का मौका मिलेगा तो ऑलरेडी सभी चीजों को रेडी कर चुकी थी, राइट। ऑलरेडी सभी चीजों को क्या कर चुकी थी, रेडी कर चुकी थी। इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना और वो फुली फ्लेज फंक्शन करने लगा, तब इनके द्वारा बनाया हुआ पहले से जो किया हुआ काम था उनको जस्ट क्या करना था, खाली पास करना था, उसको रीडिंग 1, रीडिंग 2, रीडिंग 3 के लिए डालना था, उनको बनाने की जरूरत नहीं थी। तो कहने का मतलब क्या है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को अगर इतना जल्दी काम खत्म हुआ, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये कमिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनने से पहले ही बन चुकी थी और वो बहुत सारी चीजों पर सोच कर, बहुत सारे जैसे कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हो गया, ड्राफ्टिंग, ड्राफ्ट कमेटी हो गया, तो ड्राफ्ट बनाना, ये सब करना, तो ये सब चीजें ऑलरेडी पहले से डिस्कस करके की जा रही थी। और धीरे धीरे वो इतना ज्यादा काम कर चुकी थी कि जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आई और उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया, तो जो कमिटीज को बनाया द्वारा बनाया हुआ पहले से जो किया हुआ काम है उसको जस्ट उसको लिया गया और उसको अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बोलते ना कहीं इंट्रोड्यूस किया गया। इंट्रोड्यूस करने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई करना स्टार्ट कर दी गई। तो इससे क्या हुआ कि इनका बहुत सारा टाइम बचा। हमारा जो सबसे ज्यादा टाइम लगा वो हमारे मेंबर को समझाने में लगा कि कौन सा लॉ कैसे काम करेगा, ना कि लॉ बनाने में लगा। ठीक है, तो हमारे जितने भी मेंबर थे उनको सेटिस्फाइड करने के लिए ये डिस्कशन हुआ करती थी, लाइन बाय लाइन डिस्कशन हुआ करती थी। और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस की तरफ से, कि हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जब पहले से उनको भरोसा हो गया था कि बनने वाली है, तो उन्होंने काम बहुत पहले से ही स्टार्ट कर दिया था, जो कि एक बोलते ना कि नींव का पत्थर यानी कि माइलस्टोन साबित हुआ इनके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। अदरवाइज क्या होता कि ये जो टाइम है आप देख रहे हो, टाइम 3-4 साल या 2 साल 3 साल और एक्स्ट्रा बढ़ जाता था। क्यों, क्योंकि फिर डिसाइड करना पड़ता क्या करना है कैसे करना है, वैसे बहुत सारी कमेटी थी। तो ये जो एक्सपर्ट कमेटी है ये इस तरह से काम करती है। तो आपको समझ में आया होगा कि क्यों एक एक्सपर्ट कमेटी इंपॉर्टेंट थी। तो कांग्रेस ने ऑलरेडी एक एक्सपर्ट कमेटी बना कर रखी थी। आपको इंपॉर्टेंट ये है कि ये देखना है कि एक्सपर्ट कमेटी का मेन चेयरमैन कौन था, जवाहरलाल नेहरू, और मेंबर कौन थे, एम आसिफ अली थे, के एम मुंशी थे, गोपाला स्वामी अय्यंगार थे, ठीक है, अच्छा के टी शाह थे, गाडगिल थे, कबीर थे और सतनाम थे। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि इसमें से कौन कौन से मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी के भी मेंबर थे। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, तो आप ये इसको कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी और ये एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस में कौन कॉमन था। ठीक है, ऐसे ऐसे डिटेल डिटेल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हम लोग बात करें तो क्या हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई, आपको पता है जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन जाती है तो कोई ना कोई तो क्रिटिक्स आएगा और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को क्रिटिसाइज करेगा। तो ऐसे ही हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्रिटिसाइज हुआ, लेकिन एज अ ऑफिसर जब भी आप इसको लिखोगे तो इसको एज अ क्रिटिक्स नहीं लिखोगे, इसको एक आप उसको पॉजिटिव वे दोगे। यानी कि अगर जिसने क्रिटिसाइज किया है उसको आप अपोज करोगे और ये बताओगे कि ये क्यों सही है। ठीक है, जैसे कि पहला जो क्रिटिसिज्म हुआ है वो हुआ है नॉट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। ठीक है, ये जो क्रिटिसिज्म हुआ है ये इस बेस पे हुआ है क्योंकि जब वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो इलेक्शन था, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो इलेक्शन था उसमें एडल्ट फ्रेंचाइजी का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इनका मतलब एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है एक सर्टन एज के बाद हर एक बंदे का एक वोट होता है, चाहे वो कॉमन बंदा हो या अंबानी हो। अंबानी भी अगर वोट डालने आएंगे तो सिर्फ उनका एक ही वोट काउंट होगा, 2 वोट 3 वोट काउंट नहीं होगा। ठीक है, एक नॉर्मल कॉमन पीपल भी अगर वोट डालने आएगा तो उसका भी एक ही वोट काउंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसी को बोलते हैं एडल्ट फ्रेंचाइजी। लेकिन हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इलेक्शन हो रहा था तो मैंने आपको शायद बताया था कि सिर्फ 10% लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे थे, वोट कास्टिंग में भी सारी जनता पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो इसके लिए क्या बोला गया कि भाई ये तो बिना इलेक्शन मतलब इलेक्शन ठीक से हुआ ही नहीं और ये हो गया। ठीक है, तो इसमें आप ये बोल सकते हो कि
एक्चुअली उस टाइम पे इलेक्शन करवाना एक बहुत बड़ा, बोलते ना कि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता था, और इंडियन लीडर्स ये देख रहे थे कि अगर हमारा प्रोसेस लंबा जाता है तो हमारी आज़ादी मिलने में बाधा होगी, ठीक है। तो चाहते थे कि कोई भी काम अटके ना और जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इन सब चीज़ों पर इलेक्शन नहीं करवाया। और दूसरी बात क्या है, इलेक्शन ना करवाने के पीछे एक और रीज़न ये है कि उस टाइम की जो जनता थी, हमारे जो देश की जनता थी, वो 90% जनता जो थी अनएजुकेटेड थी। अनएजुकेटेड होने के कारण क्या है, अगर हम उनको से इलेक्शन करवा भी देते तो उनको इस बात का आइडिया नहीं था कि किसे वोट देना है और उनके वोट का क्या वैल्यू है, उनके वोट का क्या वैल्यू है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए और सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कैसे तो कैसे हमें आज़ादी मिल रही थी, अगर हम लोग इलेक्शन के चक्कर में पड़ते तो हो सकता है कि हमको कुछ और ही फेस करना पड़ता। इसीलिए ये बोलना कि नॉट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ये गलत है। रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है लेकिन सिचुएशन के हिसाब से उसको मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, नॉट अ सोवरेन बॉडी। अब ये क्रिटिसिज्म जो हुआ है वो इस बेस पे हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी वो अंग्रेजों द्वारा लाया हुआ कैबिनेट कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 का एक लॉ है जिसके हिसाब से बना। जब ऐसे किसी एक्ट एक्ट के थ्रू कोई चीज बनती है तो सोवरेन कैसे हो सकती है, ठीक है। तो इस बात पे ये क्रिटिसाइज हुआ था, लेकिन बाद में इसको क्लेरिफाई किया गया और बोला गया कि अकॉर्डिंग टू 1947 एक्ट इंडिया इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिया इज इंडिपेंडेंट। और अगर इंडिया इंडिपेंडेंट है तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो भी पूरी तरह से सोवरेन है, और हम लोग ने ऐसे बहुत सारे डिसीजन इसमें ऐसे लिए हैं जो कि सोवरेनिटी को शो करते हैं। सोवरेनिटी का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ और आई होप आपको याद होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया सोवरेन है। तो और 1947 का जो एक्ट है ये भी बोलता है कि पैरामाउंटेंसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर वो खत्म हो गया है, तो इसलिए इंडिया पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। और हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में भी इस बात को मेंशन किया गया है कि जो इंडिया बनेगा वो कैसा बनेगा, सोवरेन बनेगा। सो इस ये क्रिटिसिज्म पूरी तरह से गलत निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग। देखा, कहने का मतलब है जो कुछ नहीं करता ना वो ऐसी ही बातें करता है, जिन्होंने वहां पे बनाया नहीं होता है ना वो ऐसी ही उल्टी सीधे बातें करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको बनाना है तो उनको दूर से देखना, तो खाली मुंह खोला और फटाक से क्रिटिसाइज कर दिया, जो कि बहुत गलत बात है। हमारे लोगों ने कितना एफर्ट्स, कितनी मेहनत डाली तब जाके वो सिचुएशन पर बैठे हैं, ठीक है। रही बात टाइम कंज्यूमिंग की, तो एक्चुअली इन्होंने जो ये क्रिटिस किया है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करके किया है। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था 6 मंथ और 9 मंथ के बीच में बन गया था, लेकिन आप अमेरिका को कंपेयर करो तो सारे उसका क्रेडेंशियल पे कंपेयर करना चाहिए। अमेरिका ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो सिर्फ सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन उसको बोलते हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि उसका जो इफेक्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसका इफेक्ट सिर्फ सेंटर पर ही होगा, स्टेट पर नहीं होगा। हर स्टेट क्या करेंगे, अपना अलग अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, जैसे कि न्यूयॉर्क का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, फिलाडेल्फिया का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कैलिफोर्निया का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लास वेगास का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा। जितने स्टेट उतना कॉन्स्टिट्यूशन वो अपने हिसाब से बनाते हैं, यानी कि इनको इन स्टेट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, इनको जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो सिर्फ किसके लिए बनाना था, अपने सेंटर के लिए बनाना था, जो कि बहुत ही, इसलिए उसमें हो सकता है कम टाइम लगा। दूसरी बात, जो अमेरिका है उसको बहुत टाइम हो गया था, बहुत ज़्यादा डेवलप था उस टाइम पे, और वहाँ पे एजुकेशन इलिटरेसी बहुत कम थी, ठीक है। उसके बावजूद भी 6 या 7 या 9 महीने लिए हैं, जबकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 9 ईयर्स लगे हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन कितने साल में, 9 साल में। श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार बना और कितनी बार टूटा, अपना नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन हर बार बनता और टूट जाता है, यानी कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग ने 2 साल 11 महीने 18 दिन लिए हैं तो एक कुछ भी टाइम नहीं लिया है, बहुत कम टाइम ने हमने बनाया है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये टाइमिंग टाइम कंज्यूमिंग वाला सिस्टम है, जो क्रिटिसिज्म है पूरी तरह से गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है डोमिनेटेड बाई कांग्रेस, ठीक है। यस, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बोल रहा है ये क्या बोल रहा है कि इसमें ज्यादातर तो मेंबर कांग्रेस के ही है, कांग्रेस ही डोमिनेटेड है। लेकिन अब एक बात बताओ, पूरे इंडिया में दो ही तो पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, और भी एक दो पार्टी थी लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करते थे। अगर आपको अब देखा जाए तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये बात हो रही थी उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, ठीक है।
और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ और इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुमत से जीत गई और जो मुस्लिम लीग थी वो बाद में सेपरेट हो जाती है, तो बट ऑब्वियस वहां पे बचेगा कौन? जब एक ही पार्टी थी और एक ही पार्टी के मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठे थे, तो बट ऑब्वियस वो कांग्रेस ही होंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी के जो लोग थे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आने से मना कर दिए, उन्होंने बायकॉट किया और अपना अलग देश बना लिया। तो जब बाहर के लोग अपना अलग देश बना के चले गए, जो दूसरी बड़ी मेजर पार्टी थी वो अलग हो गई, तो बचे कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग ही बचे ना। दैट इज द रीजन कि ये जो ये बोला गया ना डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस, ये पूरी तरह से गलत है। कांग्रेस ही इतना लड़ी, इतना झगड़ी यहाँ तक पहुंच आई, तो कि कांग्रेस ही उसमें रूल करेगी ना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि दिस क्रिटिसिज्म इज वेरी फॉल्सी, और बोलते ना कि हाईली, आप ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ ज्यादा ही हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, ठीक है। हाँ, इस बात से मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसमें लॉयर और पॉलिटिशियन का डोमिनेशन सबसे ज्यादा रहा है, ठीक है। क्यों रहा है? क्योंकि जितने भी नेता थे वो या तो लॉयर थे, ठीक है, और या तो फिर सिर्फ नेता थे, ठीक है, मोस्टली लॉयर थे और जो यहाँ के थे वो थोड़ा बहुत सिर्फ नेता थे, ठीक है। ठीक है, तो या तो लॉयर थे या तो वो नेता थे, ठीक है। तो जब ऐसे ही लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर बनेंगे तो डोमिनेंट स्टेट बनेगा। अब अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो दिखता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन दिखता है वो आप देखोगे, कभी पढ़ने की कोशिश करोगे तो बहुत डिफिकल्ट लगता है। यस, वो डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि वहां पे क्या है, एक मिनट, हाँ क्योंकि वहां पे क्या है, मैं कहां पे था, हाँ, तो जब वहां पे जब नेता ही ऑलमोस्ट जैसे कि अपना गांधी जी, ठीक है, उसके बाद आपके जवाहरलाल नेहरू, ये खुद क्या थे, एक बहुत बड़े लॉयर थे, ठीक है, एक बहुत बड़े लॉयर थे और एक पॉलिटिशियन भी थे। तो आप सोचो जब ऐसे लोग रहेंगे तो डोमिनेंस तो होगा ही, और आप देखोगे कि जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि जितने भी वहां पे नेता थे ऑलमोस्ट सब के सब क्या थे, वो वहां पे जो जितने भी नेता थे वो या तो वो लॉयर थे या तो ये वो पॉलिटिशियन थे, लेकिन इसके वजह से क्या हुआ कि जब इन्होंने कोई भी चीज, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा उसकी जो लैंग्वेज थी वो कैसी थी, लीगल लैंग्वेज थी, और जो लीगल लैंग्वेज होती है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, एक कॉमन पीपल लीगल लैंग्वेज को नहीं समझ पाता। यही रीजन है कि हमको यहाँ पे इंडिया में अगर छोटे से छोटा केस भी दिल्ली लड़ना है तो हम लोग को वकील को लाना पड़ता है, वकील को हायर करना पड़ता है, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। सभी लोग शायद वकील को हायर नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि बहुत सारे केसेस में लोग कोर्ट जाना ही पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि जितने का केस नहीं होगा उससे ज्यादा आपका तो हमारा वकील का खर्चा हो जाएगा, ठीक है।
तो हाँ, इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, यहाँ लॉयर एंड पॉलिटिशियन डोमिनेट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। जबकि बाकी कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो एक आम जो आदमी भी पढ़ेगा तो समझ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म दिया गया है, डोमिनेटेड बाय द हिंदूज, अगेन आप इसको देख सकते हो कि ये हिंदू मुस्लिम का फिर से डिवीजन की बात कर रहा है। एक बात बताओ, जब डोमिनेटेड बाय हिंदूज मीन व्हाट, कि जितने भी पॉलिटिशियंस थे उसमें हिंदू और मुस्लिम तो सब थे, लेकिन जब मुस्लिम लीग ने क्या किया, अपने आप को जब सेपरेट कर लिया, तो यहाँ पे कौन बचेगा हिंदू? जितने अभी मुस्लिम लीग क्यों बना, तो मुस्लिम लीग से पाकिस्तान क्यों बना? क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम लोग जो मोस्टली मुस्लिम थे वो मुस्लिम लीग के सपोर्ट में थे, और जब मुस्लिम लीग बना तो उन्होंने अपना अलग से कंट्री बना लिया, अपना अलग से कंट्री बना तो बट ऑब्वियस जो नेता होंगे मुस्लिम लीग के, जो एक समय था कि पूरे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर हुआ करते थे, अब वो चले गए, जब कॉन्स्टिट्यूशन का जब सारे मुस्लिम्स यहाँ से चले गए तो बचा कौन? हिंदू। और इस पर ये क्रिटिसिज्म करना कि डोमिनेटेड बाय हिंदू है तो बहुत ही गलत है, यानी कि आप देख सकते हो कि इनकी मानसिकता क्या है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की इनकी मानसिकता है, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट आते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अपना खुद का एक सिंबल बनाया था जिसमें एलिफेंट को एज अ सिंबल एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। एलिफेंट को एज अ सिंबल एक्सेप्ट किया गया, और इसी देखो ये जो आपको आपके बाजू में सिंबल दिखाई दे रहा है, यही है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सिंबल। उस टाइम पे आप देखो कि पाकिस्तान हमसे अलग नहीं था, बांग्लादेश हमसे अलग नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो इंडिया था, एक बोलते हैं अखंड भारत, और अखंड भारत का जो एक पर एक जो सिंबल लगाया गया वो उसको एलिफेंट का सिंबल एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। तो सिंबल और सील, जिसको एक सील बनाया गया, ठीक है। तो जिसको सिंबल में किसको एलिफेंट को एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है क्या है, सर बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर। उसके बाद जो बी एन राव थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, जैसे कि बी एन राव कौन है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को एडवाइस करते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना है, क्या करना है, उससे रिलेटेड जो लीगली जो टेक्निकल वर्ड्स होते थे उसके बारे में एक्सप्लेन करते थे, ठीक है। उसके बाद एच वी आर अयंगर सेक्रेटरी थे, किसके, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो सेक्रेटरी थे वो क्या थे आपके, एच वी आर अयंगर। उसके बाद एस एन मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन, मैंने बताया ना कि कमिटी के लोग क्या करते थे, ड्राफ्ट बनाते थे और उसको खाली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जाता था। तो एस एन मुखर्जी क्या थे, चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, जो ड्राफ्ट बनाते थे वो एस एन मुखर्जी बनाते थे। देखो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कॉलीग्राफर थे, ठीक है। कॉलीग्राफर मतलब उसको उसकी लैंग्वेज को ठीक करते थे और डिफरेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, वसंत कृष्ण वैद्या कॉलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्जन, ठीक है। हिंदी वर्जन के क्या थे वो, कॉलीग्राफी थे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा नाम याद रखना पड़ेगा इसमें, बी एन राव, एच वी आर आई, अगर एस एन मुखर्जी, प्रेम बिहारी, ठीक है, वसंत कृष्ण, ठीक है, ये सब थे। इसके बाद आगे हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। हुआ क्या कि अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, लेकिन हमारे जो पॉपुलेशन है मोस्टली वो लोग उस टाइम पे क्या, अभी भी हमारी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो हिंदी को ही समझती है, ठीक है। मैक्सिमम क्वांटिटी में हिंदू को समझती है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था वो इंग्लिश में लिखा गया था। इससे क्या हुआ कि एक डिमांड उठी कि कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में भी आना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए पूरे तकरीबन 1987 यानी कि 30 साल से ज्यादा का समय लग गया, ठीक है। 30 साल का मैक्सिमम समय लग गया हिंदी में कन्वर्ट होने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इंग्लिश में लिखा था तो इंग्लिश में जानते थे, और उसके बाद ये धीरे धीरे हिंदी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। ये हिंदी में कन्वर्ट कब से हुआ, 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987, ठीक है, 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1987 में हुआ, ठीक है। और इसमें जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन था उसको हिंदी में, और जो एक्ट बना उसके हिसाब से जो अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, उस अमेंडमेंट को में से एक नया आर्टिकल आया, आर्टिकल नंबर 394A, याद रखना आर्टिकल नंबर 394A आया, और वो किस पार्ट में रखा गया, पार्ट 22 में रखा गया, ठीक है। आर्टिकल नंबर 394 आया, अब देखो ए आया, पहले आर्टिकल नंबर 394 था, लेकिन जब उसी सेम आर्टिकल को यूटिलाइज किया जाए डिफरेंट पर्सन के लिए उसमें ए बी सी लगा दिया जाता है।
तो एबीसी लगाने का मतलब ये होता है कि वो आर्टिकल पहले नहीं था, उसको ऐड किया गया है, ठीक है। तो 50th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1987 के थ्रू क्या हुआ कि ये क्या बन गया आपका, लीगली ये बात हो गई कि अब जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसको हिंदी में कन्वर्ट कराएगा। ना इतना ही नहीं, बल्कि जो भी यहाँ पे सुनवाई होती है और जो डिसीजन आता है उसका भी कन्वर्जन हिंदी में किया जाएगा, और जितना हो सके उतना इंग्लिश का कन्वर्जन हिंदी में करते टाइम अगर कहीं पे कोई वर्ड्स ऐसा है जो मिसमैच कर रहा है उसको नज़दीक से नज़दीक, यानी मतलब क्या है कि एकदम सटीक से सटीक वर्ड्स का इस्तेमाल करके उसको कन्वर्ट किया जाना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से काम, यहाँ पे लिखा था ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, द ट्रांसलेशन इन हिंदी ऑफ एवरी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन इंग्लिश, ठीक है। ये भी इसके साथ साथ ये भी बोला गया कि अब से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा उसका ट्रांसलेशन हिंदी में भी होगा, ठीक है। चाहे वो कोई भी अमेंडमेंट हो या कोई भी डिसीजन आता हो तो सारी चीज़ों का ट्रांसलेशन हिंदी में होगा। पहले अगर कोई केस करता था तो केस की जो कॉपी होती थी वो सिर्फ इंग्लिश में मिलती थी, लेकिन आज आप क्या कर सकते हो, उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करके हिंदी में भी डिमांड कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ के लोगों को, यानी जो सरकारी वकील होगा या वो जो कोर्ट होगा, उसको हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके वो चीज़ें दी जाएंगी, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, पहले सब कुछ इंग्लिश में होता था, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे देखी गई। तो ये था आपका एंड ऑफ दिस चैप्टर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीसियस टाइम, ठीक है। तो हम लोग आज ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही हो गया। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना जरूर मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपकी जो भी इस चैनल पे जो नई वीडियो आएंगी वो आपको सबसे पहले मिलेंगी। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक्स अ लॉट।